वेलकम टू फारान ब्लॉग। जब आप सदभरवा आएंगे, सदभरवा के बाद 4 किलोमीटर के बाद ये पगडंडी मिलेगी आपको, ठीक है। इससे ही आपको मलाई डैम का रास्ता है। लगभग मुझे यहाँ से लगता है कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन मैं आपको पहुँचने के बाद बताऊँगा, लेकिन यहाँ अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 किलोमीटर या 3 किलोमीटर और है, ठीक है। ये पगडंडी आप भूलिएगा नहीं। मलाई डैम, आप इसके पूरे सीन को देख सकते टू फारान ब्लॉग। हाँ, मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर लिया गाइस। तो अभी मैं झारखंड टूरिज्म पे काम कर रहा हूँ। ये है मलाई डैम, आप इसके पूरे सीन को देख सकते हैं। और मेरी FZ लगभग 3 साल से मैं चला रहा हूँ और बहुत ही प्यारी गाड़ी है। तो अभी मैं अपने मेरे मामू आए थे, विजिट किए थे घर पर, तो हमने बोला कि चलिए कुछ आपको चीज़ें दिखाते हैं। अभी हम लोग बोटिंग करने वाले हैं कुछ देर में। 50-50 रुपीज़ लगता है। देखिए, दो तरह की बोटिंग होती है, ठीक है। जो मैं करने वाला हूँ वो बजट फ्रेंडली है, पैडल वाला है, वो 50 रुपीज़ में हो जाएगा। ये काफ़ी दूर तक है, लगभग मुझे ये रास्ता लगभग 2 किलोमीटर तक है। उसके बाद अभी तो देखिए वाटर लेवल बहुत ही कम है। बोटिंग कैसा रहता है, ठीक है। बोटिंग अब पता नहीं इतने समय पे बोटिंग करेंगे, करवा पाएंगे वो नहीं करवा पाएंगे। बोटिंग के लिए तैयार है हम। चले वहाँ बैठते हैं। चलो भाई, कौन सा वाला तीनों में से है? ब्लू वाला फेवरेट कलर तो नहीं है यार मेरा। अरे यार, बहुत दिनों बाद बोटिंग कर रहा हूँ। लास्ट मैंने पटना में किया था जू में, उसके बाद यहाँ आ रहा हूँ पैडल बोटिंग। लगता है ये जिम करवा के मानेगा ये लड़का मेरा। सीन देखिए बहुत ही खूबसूरत है। हम ये टापू को कवर करने वाले हैं। ये वाला टापू आप देख रहे होंगे, इस टापू को कवर करने वाले हैं और यहाँ से घूम कर आएंगे। अच्छा लगता है यार पानी के बीच में तैरना। बिना मैं तैरा बहुत हूँ, लेकिन आज बोटिंग कर रहा हूँ पहली बार बहुत दिनों बाद। मैजिकल जर्नी हैज़ टू बी एंड। बहुत ही मज़ा आया, पैडल चला चला के तो पैर दर्द कर रहे हैं यार मेरे। मामू आ गए ही बैठ के मज़े ले रहे हैं। ओट ओवरफ्लो करता है, लोग यहाँ पर नहाते हैं। जब बरसात आएगा तो यहाँ पर आपको डर लगेगा। और ये जो स्लिपरी पार्ट है बहुत ही मज़ा आता है इसमें स्लिप करने में। लेकिन अफसोस के साथ कि मैं आया हूँ ठंड में, तो यहाँ पर पानी कम है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ज़रूर आऊँगा और आपको दिखाऊँगा कि यहाँ पर जो फ्लो होता है वो कितना अच्छा है। एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपको यहाँ पर पिकनिक मनाना है, यहाँ पर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है। 50 रुपीज़ आपको बोटिंग का लगेगा, पैडल बोटिंग का। आप पूरा टापू जितना घुमा देगा आपको। थोड़ा और पैसे अगर 50 रुपये एक्स्ट्रा दे देते हो आप, तो 2-4 टापू घुमा देते हैं वो खुद से। वो चला लेगा, आपको चलाना तो आप भी चला सकते हो उसमें, ठीक है। तो
यहाँ पर देखिए शाम हो गई, अब तो भाई मुझे वापस जाना पड़ेगा क्योंकि अंधेरा हो जाता है। और यहाँ से मेरे घर यानी डाल्टनगंज तक 35 किलोमीटर में वन वे है। वन वे मतलब गाड़ी उसी रास्ते से जाती है, उसी रास्ते से आती है, ठीक है। तो इट्स टू डेंजरस, बाय गाइस, अब तो यहाँ से जाएंगे हम। थोड़ा सा जाते वक्त का देख लीजिएगा, शाम काफ़ी हो गई है तो उस समय का थोड़ा सा सीनेरियोज मैं आपको दिखा दूँगा। थैंक यू सो मच, बाय।